दोस्तों फिलहाल तो प्रभास की फिल्म कल्कि ने सिनेमाघरों में तहलका मचा रखा है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। कल्कि फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में 13वां दिन चल रहा है और फिल्म की कमाई आज भी ताबड़तोड़ हो रही है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SS राजामौली की फिल्म RRR रिलीज हुई थी साल 2022 में। तो RRR फिल्म अपने पहले 13 दिनों में इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही थी और कल्कि फिल्म अपने पहले 13 दिनों में इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कितनी कमाई कर रही है, कौन सी फिल्म आगे चल रही है, किसने मारी है बाजी, तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप प्रभास, जूनियर NTR और रामचरण को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे RRR फिल्म की, जिसको पूरे वर्ल्ड में लगभग 10,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। SS राजामौली के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसमें हमें अजय देवगन, आलिया भट्ट, रामचरण और जूनियर NTR अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म का जो फर्स्ट डे पर कलेक्शन हुआ था पूरे इंडिया से, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम सभी भाषाओं में, वो 133 करोड़ रुपए नेट हुआ था। तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 223 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद फिल्म अपने पहले एक हफ्ते में यानी कि 7 दिनों में फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो 477 करोड़ 50 लाख रुपए का किया था पूरे इंडिया से। उसके बाद 8वें दिन फिल्म ने कमाए थे 31 करोड़ 70 लाख रुपए। 9वें दिन फिल्म का कलेक्शन था 56 करोड़ रुपए, क्योंकि दूसरा सैटरडे था। फिर अपने 10वें दिन फिल्म ने अपने दूसरे संडे को 52 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए थे। 11वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 17 करोड़ 50 लाख रुपए। 12वें दिन फिल्म ने कमाए थे 16 करोड़ 30 लाख रुपए और 13वें दिन फिल्म की कमाई रही थी 11 करोड़ 40 लाख रुपए। तो अपने पहले 13 दिनों में फिल्म RRR ने भाई क्या ही कलेक्शन किया था, जबरदस्त कलेक्शन था और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। 13 दिनों में फिल्म RRR इंडिया के अंदर टोटल कलेक्शन सभी भाषाओं में जो नेट करने में कामयाब रही थी वो था 663 करोड़ 20 लाख रुपए। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन हुआ था 13 दिनों का वो 777 करोड़ 20 लाख रुपए का हुआ था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 182 करोड़ रुपए और कुल मिला के फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 13 दिनों में 959 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई कर ली थी। जहां दोस्तों 959 करोड़ 20 लाख रुपए 13 दिनों में फिल्म RRR ने पूरे वर्ल्ड से किए थे। चलिए बात करते हैं कल की फिल्म की, तो कल की फिल्म भी कहां पीछे रहने वाली है। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से तबाही मचा रही है। दर्शकों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। नाग अश्विन के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है, जिसका बजट है लगभग 600 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भी इंडिया के अंदर लगभग 5 भाषाओं में रिलीज हुई है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा और मलयालम में। और फिल्म जब रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में तो फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 191 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर की थी। उसके बाद फिल्म का जो 4 दिनों का वीकेंड रहा था वो 555 करोड़ रुपए का रहा था। 5वें दिन फिल्म ने पूरे इंडिया से 37 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। 6वें दिन फिल्म का कलेक्शन था 30 करोड़ 30 लाख रुपए का। 7वें दिन फिल्म ने कमाए थे 24 करोड़ 25 लाख रुपए। 8वें दिन फिल्म ने कमाए थे 23 करोड़ 75 लाख रुपए। 9वें दिन फिल्म का कलेक्शन था 18 करोड़ 45 लाख रुपए और 10वें दिन फिल्म का कलेक्शन था 35 करोड़ 30 लाख रुपए। 11वें दिन फिल्म ने कमाए थे अपने दूसरे संडे को 45 करोड़ 30 लाख रुपए पूरे इंडिया से। तो अपने पहले 11 दिनों में दूसरे संडे तक फिल्म 920 करोड़ रुपए कर चुकी थी। 12वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग पूरे इंडिया से 16.5 करोड़ यानी कि 16 करोड़ 50 लाख रुपए और आज 13वां दिन है तो आज भी ये फिल्म कम से कम 14 से 15 करोड़ रुपए कमा रही है। तो फिल्म की जो टोटल कमाई है कल्कि की 13 दिनों में वो इंडिया के अंदर 570 करोड़ रुपए हो रही है। वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 960 करोड़ रुपए हो रहा है। तो यहां पर अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो भैया बिल्कुल बराबरी की टक्कर है। 13 दिनों में RRR ने कितने कमाए थे, 959 करोड़ 20 लाख रुपए, 959 करोड़ 20 लाख रुपए और भैया यहां पे कल्कि कितने कमा रही है, 960 करोड़ रुपए। हालांकि 960 का ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है लेकिन आप मान के चलिए 961 हो सकता है लेकिन 959 नहीं, क्योंकि ये फिल्म ओवरसीज से भी तगड़ा पैसा कमा रही है। तो भैया यहां पे दोनों में बराबर की टक्कर चल रही है लेकिन मुझे लगता है कि RRR के नाम लगभग 1200 करोड़ रुपए हैं अपने लाइफ टाइम में, लेकिन क्या कल्कि इस रिकॉर्ड को तोड़ेगी, 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।